आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक आज बोटाड और डेडियापाड़ा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए गुजरात अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आगमन दरमियान आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश नेता और कार्यकर्ता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तीन लोगों ने जेल में डाल दिया है, लोग सभी लोग बहुत समझदार हैं, इसका जवाब कोर्ट से देंगे। मैम, क्या राजनीति में आने का प्लान है आपका? आज यहाँ पर भरूच और भावनगर में प्रचार के लिए आए हैं, केजरीवाल मैडम भी साथ में आई है और दोनों जगह काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ की जनता भावनगर में भी और भरूच में भी इस बार बदलाव के लिए तैयार है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी गुजरात की जनता ने केजरीवाल जी को बहुत प्यार दिया था, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल, सारे कामों को देख कर। इस बार लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, वो इस बार यहाँ पे गुजरात की जनता ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ेगी। और जिस तरीके से इन्होंने केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, अन्याय करके, जुल्म करके, जनता जुल्म का जवाब, जेल का जवाब वोट से देगी और जनता तैयार। क्षत्रिय आंदोलन का फायदा आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को? देखिए, किससे किसको फायदा होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश को, समाज को बांट कर दूसरों की बेइज्जती करके ही राजनीति करते आई है। सर, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर कल पीएम ने बयान दिया है, रैली में कहा है जब तक भाजपा पीएम मोदी है तब तक धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें चुनाव के समय ही आपको क्यों याद आती है? क्या ऐसा होता है कि अचानक आपको रातों रात ये चीज़ें याद आती है? आप ये बताओ कि इतने दिन में, 10 साल में आपने क्या काम किया है? आप चुनाव पे वोट जो मांगने जा रहे हैं, अपने काम के दम पर मांगो, अपने काम की बात बताओ। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी काम नहीं बताया। वो ये कहते हैं, मुझे तो लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर दोस्त कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जब भी उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है, जब भी उनकी परीक्षा की घड़ी आती है, तुरंत उनको ये सारी चीज़ें याद। तो जनता बहुत सयानी हो गई है, जनता को स्कूल से, हॉस्पिटल से, अच्छी चीज़ों से मतलब है और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से जनता को, वोटर्स को मतलब। सूरत में जो घटना बनी है, जो वहाँ पे आप तो से एक सीट जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ऐसे अप्रोचेस हुए हैं, आपको लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है? पूरे देश में हर जगह पहले ये चुनाव की चोरी करते थे, उसके बाद अब तो ये परिस्थिति आ गई है कि चुनाव ही नहीं करवानी, ये जनता के अधिकारों के साथ धोखाधड़ी है और डकैती है। और ये एक बहुत गंदी परंपरा ये शुरू कर रहे हैं। इनको क्या लग रहा है कि ये परंपरा ये शुरू करेंगे, आदि अनंत काल तक यही रहेंगे क्या शासन में? ये एक ऐसी परंपरा शुरू कर रहे हैं जो देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत खराब है। चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, जनता जो आशीर्वाद दे उसको सिरोधार्य करो और काम करो। चोरी करना, डकैती करना, ये अच्छी बात नहीं। आगे मैं हमारी मैडम जी को, केजरीवाल मैडम जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आगे दो शब्द कहे। सभी को मेरा नमस्कार, नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले 40 दिनों से जेल में जबरदस्ती डाला हुआ है। चेतन भाई और उनकी पत्नी को भी ऐसे ही जबरदस्ती जेल में डाल दिया था। किसी भी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं कहा, फिर भी जेल में डाला रखा है। कभी हम कह रहे हैं कि जांच चल रही है, अगर जांच 10 साल चलेगी तो क्या 10 साल जेल में रखेंगे ये लोग? कोई आदमी पहले तब किया जाता था जब उसको कोई भी अदालत दोषी साबित करती थी। अभी क्या हो रहा है, अभी एक नया सिस्टम लाए हैं, उसमें जब तक जांच चल रही है, जब तक मुकदमा चल रहा है, जेल में रखेंगे। ये तो तानाशाही हुई ना, सरासर गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। केजरीवाल जी निहार बहुत पढ़े लिखे, ईमानदार और सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने IIT से वो इंजीनियर बने हैं, IIT जानते हैं ना, इंजीनियर। और उन्होंने उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी उनको मिल गई। अच्छे अच्छे लोगों को ये नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उनको समाज सेवा करनी थी।
और समाज सेवा करने के लिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। जब हमारी शादी तय हुई तो केजरीवाल जी का एक ही सवाल था कि मुझे तो समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे बंदे को ये लोग जेल में डाल देते हैं। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सब जानते होंगे इतना बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में। दो बार लंबे लंबे आंदोलन की केजरीवाल जी ने 13-13, 14-14 दिन कुछ नहीं खाया। उनको शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेते हैं। डॉक्टर से मना किया कि आप मत करो आंदोलन, नहीं माने, जान अपनी जान पर लगा दी उन्होंने। ऐसे हैं ये केजरीवाल जी और इनको ये जेल में डाल देते हैं। अभी ये जेल में अभी भी इनको जब डाला तो इनकी इंसुलिन बंद कर दी, 300 से ऊपर उनकी शुगर पहुंच गई। अब ऐसे तो उनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाएगी, जो शुगर जिनको पता है शुगर कैसे क्या बीमारी है, उसमें अगर ज्यादा शुगर हो जाती है तो हम खराब होने शुरू हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाकर उनकी इंसुलिन चालू करवाई। तानाशाही की हद है। तीन बार दिल्ली के लोगों ने उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया है। आप लोगों ने भी पहली बार नहीं, गुजरात में 5-5 विधायक दे दिए आप पार्टी को। यही सब इन लोगों को भटकता है कि आप सब लोग दिल्ली के लोग केजरीवाल जी को इतना प्यार क्यों करते हैं बताइए। अब केजरीवाल जी का यही कसूर है ना कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। पहले वहां खूब पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली वहां आती है। स्कूल, सरकारी स्कूल वो इतने अच्छे कर दिए, शिक्षा इतनी अच्छी कर दी, मोहल्ला क्लीनिक बना दिए जहां पर अच्छा इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। यही सब आपको अभी महिलाओं को हर महीना 1,000-1,000 रुपया मिलेगा। यही सब उनको गुजरात में करना है, लेकिन उन्होंने अरविंद जी को जेल में डाल दिया जिससे उनकी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए। उनकी तानाशाही चरम सीमा पर आ गई है। लेकिन हमारे केजरीवाल शेर है, शेर तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।